इन्हां दृश्यां ने देश भर के लखां दिल तोड़ दिते ने। लेकिन जरा सोचो कि इन्हां खिडारियों नूं जन्म देने वाली मावां नूं की महसूस हुंदा होवेगा जद ओ सुरक्षा के नाम ते अपनियां धीआं नूं बेइज्जत हुंदे होए ते सड़कां दे घसीटदे होए देखदियां ने। लछाड़ा ने बहुत बकरे है और बेटियों ने घिस घसट के छिड़ के बस कमर डुस्सी से मारे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने मेरी बेटी शेरनी जाम रखी है और मेरी बेटी नहीं है, पूरा देश की बेटी है। कदे न जानता हो ये एकली बेटी है, पूरा हिंदुस्तान गल खड़ा है। और ब्रजभूषण जेल में नहीं ये रंगाई तन चंद नहीं बैठेंगी। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਗਾਟ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਏ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਨ ਪਬਲਿਕ ਭੜਕੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਂਵ ਕੇ ਗੁਆਂਢ ਪਰ ਬਲੋਕ ਸਤਰ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਨ ਨੁਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ जो इसके जो जब तक जो इसका समाधान नहीं होगा, जब तक ब्रजभूषण को जेल में निटा जाए, जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे लड़का जब जीत का जब तो गोल्ड मेडल ले आई छाते के ऊपर, इब उनके छातियां पर लात धरी जा रही है, ये हमारे से सहन नहीं हो रही। जब तक हमारी लड़की लड़ेंगी तब तक हम हमारे लड़के के साथ रहेंगे। बलाली विच भविख दे पहलवान पैदा हुंदे ने। एथों दे अखाड़े विश्व पद्धरी प्रतिभाशाली नौजवान पैदा करदे ने जो देश दा नाम रोशन करदे ने। अज उन्हां नूं इक अजिहे खेल दे विच अगे वधन तों मुश्किल हो रही है जो एक व्यक्ति दे कथित कम्मा करके कलंकित हो गया। आज उनके साथ ऐसा हुआ तो फिर कल हम सबके साथ भी ऐसा होगा। और हमारे पेरेंट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि कुश्ती वगैरह छोड़ दो, अभी यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ थी जो जा चुकी हैं इसी वजह से, धरने की वजह से। इससे उन लड़कियों के सपने भी टूट रहे हैं काफ़ी लड़कियों के। वो भी देखो ये बोल रही है कि हमें भी कुश्ती, उनके पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि कुश्ती में कुछ नहीं है, कुश्ती में देखो क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है कुश्ती लड़के, तुम कोई और गेम ले लो। ऐसे अगर ऐसे ही चलता रहता फिर आने वाले टाइम में लड़कियाँ लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और फिर आगे जाके ऐसे अगर ब्रजभूषण जैसे लोग यहाँ पे रहे तो लड़कियों पर अत्याचार बढ़ेगा और लड़के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दस दईए कि WFI दे प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग नूं लैके ये पहलवान 23 अप्रैल तो जंतर मंतर ते प्रदर्शन कर रहे हैं।